बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हो गई हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सफ़ेद चने मैंने बॉईल करने के लिए रखे हैं और इसमें मैंने बड़े साइज़ के टमाटर हैं 3 अदद और 5-6 मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं और नमक डाल के तो मैं इसको उबलने के लिए रखा है। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। चने बॉयल हो चुके हैं और इनको मैं अब उतार लूँगी और हम मसाला बना लेंगे। चने मैंने मट्टी की हंडिया में बॉयल किए हैं और मसाला नॉन स्टिक पैन में बनाने लगी हूँ। पैन में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, प्याज मैंने ग्राइंड कर लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है, लहसुन प्याज इसमें ऐड कर लिया है। लहसुन प्याज हमारा भून रहा है और मैं अब इसमें सुरख मिर्च और अदरक टमाटर ऐड करके इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। टमाटर, लाल मिर्च और अदरक मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बना रहे हैं सफ़ेद चने वाली बिरयानी। पहले भी मैंने अपलोड की थी, अब मैं दोबारा से बना रही हूँ। नमक ऐड कर लेंगे, 2 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1-1 टीस्पून हमने ऐड कर लिया है। गैस हमारी चली गई है और मैं अब सिलेंडर पे बना रही हूँ। मसाला हमारा रेडी होने वाला है, चावल भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। हम इसमें गरम मसाले ऐड कर लेंगे जिसमें ज़ीरा, दालचीनी और लौंग, चंद लौंग हैं और मोटी इलायची है, ये ऐड कर लूँगी। आलू बुखारा भी मैंने भगो के रखा हुआ था, आलू बुखारा भी इसमें ऐड कर लेंगे। इमली भी मैंने भगो के रखी हुई थी, इसका पल्प हम डाल लेंगे इसके अंदर। बहुत स्पाइसी चना बिरयानी मैं बना रही हूँ और बहुत टेस्टी बनेगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी हींग भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और नमक थोड़ा कम है, नमक मैं इसमें ऐड कर लूँगी। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर लिया है, हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर लूँगी। बहुत स्पाइसी मसाला हमारा रेडी हो चुका है और इसमें मैं अब सफ़ेद चने ऐड कर दूँगी जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करके भून लेंगे। स्पाइसी और चटपटी सफ़ेद चने वाली बिरयानी हमारी बहुत टेस्टी बनेगी। प्याज भी मैंने फ्राई कर लिए हैं और इनको भी हम इनके ऊपर ऐड करेंगे। चने रेडी हो चुके हैं और बड़े अच्छे रेडी हुए हैं और इनके ऊपर मैंने हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर लिया है, बाकी हम चावलों पे ऐड करेंगे और मैं इनको अब दम लगाने लगी हूँ। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, 1/2 चावल मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और इनके ऊपर हम चने की लेयर लगा देंगे। बिस्मिल्लाह, ऊपर मैं चावल लगा लूंगी और ऊपर हम इसके प्याज डाल लेंगे। प्याज भी बहुत टेस्टी होता है और थोड़ा सा फूड कलर डाल लेंगे। दस मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया इसको, 10 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। चावल रेडी हो चुके हैं और मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और
फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और चावल हम खोल लेंगे। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए कितने अच्छे से हमारे चावल रेडी हुए हैं। बिस्मिल्लाह चावल बड़े स्पाइसी हैं और मैंने अपने बेबी के लिए थोड़े से निकाल लिए हैं, सादे से निकाले हैं। स्पाइसी और टेस्टी चना बिरयानी रेडी हो चुकी, गर्मा गर्म बिरयानी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। बिस्मिल्लाह बहुत ही स्पाइसी बिरयानी बनी है हमारी। बिस्मिल्लाह धनिया पुदीने की चटनी, ग्रीन चटनी खट्टी, साथ में सलाद, मूली वाला अचार हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है। टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।